हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को कक्षा 10 के विज्ञान का विद्युत चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाने वाला प्रतिरोध का संयोजन आप सभी को सिखाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको सबसे सिंपल तरीका से सिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको इस टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। अब इस प्रतिरोध का संयोजन आपको कैसे करना है, देखिए प्रतिरोध का जो संयोजन है और जो कक्षा 10 में है, जो आपको पढ़ना है, दो पढ़ना है, एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में। ये हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर कभी कभी फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए दे देता है, कभी कभी इस पर आपको सवाल पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है। देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पर हल करते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में देखिए कैसे आप हल करेंगे। चलिए आपको पहले प्रतिरोध को जोड़ के बता रहे, श्रेणी क्रम देखिए कैसे जोड़ा जाता है। इस तरह तीन प्रतिरोध को आप क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध दीजिए और इस तरह आपस में एक क्रम में जोड़ लीजिएगा और इसको क्या करेंगे, एक बैटरी के द्वारा इस तरह आप जोड़ लीजिएगा इसको। जब ये जोड़ेंगे देखिए ये वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध जो अलग अलग है इसका नाम दीजिए R1, R2, R3 और इसमें जो धारा बहेगा क्या बहेगा आपका, I बहेगा। ठीक है, देखिए इतना चीज आप जानिए। जब इस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ते हैं इसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। अब इसमें देखिए जो पॉइंट लिखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन लिखने से पहले यहाँ पे बैटरी के बारे में आप कुछ चीज़ बता देते हैं। देखिए जो बड़ा वाला ये रहता है ना पाई, ये आपका प्लस दिखाता है और जो छोटा वाला रहता है ये किसको दिखाता है, माइनस को दिखाता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। जब ये क्लियर हो गया तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा और ये बताते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, आप लिखिएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और यही से इस लाइन से एक नंबर का बहुविकल्पी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, यही पूछता है कि श्रेणी क्रम में आपका क्या समान होता है, तो धारा समान होती है, यही लाइन आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है। अगला देखिए, श्रेणी क्रम में, क्रम में वोल्टेज जो होता है आपका भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। यह भी आपके पेपर में पूछा गया है कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है उसमें क्या भिन्न भिन्न होता है, तो आपका वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न। और ये दोनों लाइन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुविकल्पी के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लाइन को इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। देखिए इस फार्मूला को सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने से पहले इसके बारे में कुछ आप लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब देखिए आप लिखिए वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, इसका मतलब देखिए वोल्टेज ये है, देखिए R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज होता है, R2 के क्रॉस V2 होता है और R3 के क्रॉस V3 होता है। ये वोल्टेज अलग अलग होते हैं, जबकि धारा जो होता है, देखिए धारा ये पर रहती है, इस परिपथ में धारा यही होगा, यहाँ भी धारा सेम होगा और यहाँ भी धारा भी I समान रहता है, धारा एक समान ही रहता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि परिपथ में, परिपथ, परिपथ में तीन प्रतिरोध, प्रतिरोध जो लिख रहे हैं इसी को लिख लीजिएगा आप, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको कि इसमें धारा देखिए समान है तो धारा तो आप लिख चुके हैं, लेकिन आपका वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। यहाँ लिखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध, प्रतिरोध कि एक क्रॉस वोल्टेज देखिए V1 है कामा V2 कामा V3 है, इतना चीज लिख लीजिए। और परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ या लिख सकते हैं, परिपथ नहीं, यहाँ लिख सकते प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है।
ठीक, एकदम सिंपल तरीके से सिखाया, इतना चीज़ लिख लिए। अब जब इतना चीज़ जब आप लिख लिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आपका वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज होगा ये V1 V2 और V3 के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कुल वोल्टेज क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, या कुल वोल्टेज हो गया आपका कि V1 V2 V3। अब क्या होता है, अब लिखेंगे ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या होता है देखिए, यहाँ पे ओम का नियम जो होता है V=IR होता है, ये ओम का नियम होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जहाँ पे V है वहाँ पे IR रख सकते हैं आप, ठीक, जहाँ पे V1 है वहाँ पे IR1 लिखेंगे। देखिए V1 के अक्रॉस क्या है, R1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 की जगह IR1, जबकि धारा आपका एक जैसा है तो धारा I ही रहेगा। V2 की जगह आप क्या लिखेंगे, IR2 लिख सकते हैं, V3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, देखिए V बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, IR लिखेंगे, IR बराबर V1 की जगह क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, V2 की जगह क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे, V3 की जगह क्या लिखेंगे, IR3 लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे IR जो होगा इन सब में क्या काम आना है आपका, आई देख रहा है ना, देखिए आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, सभी में आपका आई है, यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, देखिए ये आई से ये आई कट जाता है, ठीक है, गुणा में है तो कट जाएगा, यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा आपका R1 R2 और R3, और यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होगा, या इसी कुल प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पे R आ रहा है इसका मतलब हो गया कि कुल प्रतिरोध, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध कहेंगे, या इसे ही तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तुल्य प्रतिरोध लिखिएगा, तो कुल प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है तीन ही प्रतिरोध लेंगे, तीन प्रतिरोध के जगह चार प्रतिरोध, पांच प्रतिरोध, यन प्रतिरोध भी ले सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 R7 डॉट 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 करके लिखा जा सकता है, मतलब जितना प्रतिरोध रहेगा सभी को क्या कर लेंगे आप, जोड़ लेंगे। तो ये था आपका श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोध को आपको जोड़ना है, आपको जोड़ने का तरीका, कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है इसको बता दिया, तभी इसको याद रखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको ये फार्मूला कैसे सिद्ध करना है ये भी आपको बता चुके हैं। जैसे देखिए आपको कुछ एक आध दो सवाल बता देते हैं, चलिए देखिए इससे कैसे आप सवाल जैसे समझेंगे, चलिए यहां पे आपको सवाल बताते हैं, एक सवाल हल्का सा देख लीजिए केवल। देखिए जैसे आपको क्या दे देगा, ऐसे प्रतिरोध दे देगा, ठीक, ऐसे दो प्रतिरोध यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए ए है और ये बी है, और यहाँ पर मान लीजिए दो ओम का, देखिए ये ओम का सिंबल होता है, ये तीन ओम का ये सिंबल होता है, जब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जब दो ओम को आप जोड़े तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, आपसे पूछेगा कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कुल प्रतिरोध आर बराबर क्या बताएंगे, 2 + 3, 3 × 2 = 5 ओम हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए दो तीन और बता देते हैं आपको, देखिए इस तरह जोड़ेंगे, मान लीजिए आप ए नाम दे दिए, बी दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 ओम कर लिए, यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम कर लिए, सभी प्रतिरोध को जोड़ लिए। जब ये जोड़ेंगे तो किस क्रम में है देख के बताइए, देखिए एक क्रम में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, एक लाइन में, जैसे देखिए ये कम्बिनेशन ये है ना, ये कम्बिनेशन में ये जुड़ा है, तो जब ये जुड़ा है आपका तो ये क्या है आपका, ये है श्रेणी क्रम में। अब जब श्रेणी क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध सवाल कर देगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या कुल प्रतिरोध के अलावा आपसे क्या कह सकता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, सभी का योग, यानी 3 + 5 + 2 + 1, अब जोड़ लीजिए 5 × 3 = 8 + 2 = 10 + 10 = 11, कितना हो जाएगा 11। हिंदी में चाहे तो ओम लिख लीजिएगा, या इसी ओम को क्या कहते हैं सिंबल में, इस तरह सिंबल में दिखाया जाता है। तो ये था आपका श्रेणी क्रम का तरीका, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है आपको ये तरीका सिखा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। तो आप
एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आपको देखिए इसको एकदम तैयार कर लीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो कुछ समय के बाद समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ना है वो भी आपको साथ में बता देंगे। आपका एक बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है, आप देखे होंगे पेपर, तो पेपर में जरूर पूछता है। ये नहीं पूछता है तो इस पर संबंधित आपसे क्या पूछ लेता है, जैसे इस तरह सर्किट देकर आपको सवाल पूछ लेगा। साथ में ये नहीं देगा तो आपसे क्या पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो श्रेणी क्रम में जो होता है आपका धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग होता है, तो आपका वोल्टेज अलग अलग होता है। ये पूरा श्रेणी क्रम से संबंधित आपका क्या था, टॉपिक था। अब देखने वाले हैं वो है आपका समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम से आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या होता है कि समांतर क्रम में आपको कैसे प्रतिरोध को जोड़ना है, चलिए पहले आपको ये बताते हैं। देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे तीन प्रतिरोध ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तीन प्रतिरोध इस तरह ले लेते हैं और समांतर क्रम में इसको इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह तीन प्रतिरोध ले लिया आप। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी ले लेंगे और इस बैटरी को इससे यहाँ आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए कि ऊपर वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये जो वोल्टेज है क्या है, ये वोल्ट है। जो बड़ी लाइन होता है क्या होता है, प्लस होता है और छोटी वाली लाइन माइनस को दिखाता है और इसमें बहने वाली धारा क्या है, आपका I है, ठीक। देखिए आज आपको समांतर क्रम ही पढ़ाने वाले हैं, श्रेणी क्रम आपको कल पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब आपको जाकर समांतर क्रम समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये आपको परिपथ बन गया, जब ये परिपथ बन जाएगा तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलिए इधर खींच लेते हैं और ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे इस चीज़ को जब आप बना लिए हैं तो इसमें देखिए क्या समान होता है, क्या भिन्न भिन्न होता है, कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, उस चीज़ को देखिए। देखिए धारा मान लीजिए यहाँ पे बह के आ गया, ये धारा फ्लो हुआ, जब ये धारा यहाँ पे आएगा तो ये धारा आपका क्या हो जाएगा कि प्रत्येक शाखा, देखिए तीन शाखाएँ यहाँ से निकल रही हैं तो प्रत्येक शाखा में यहाँ पे धारा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब धारा आएगा तो ये मान लीजिए आपका आई आई हो जाएगा, या आई ना मान के यहाँ पे कैपिटल आई मान लीजिए आई वन हो जाएगा, ये आई टू इसमें आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो धारा आई आ रहा है तीन शाखाओं में ये धाराएँ बढ़ जाएगी, या तीन शाखा में क्या हो जाएगा आपका धारा बढ़ जाएगा। अब जो तीन शाखाओं में धारा बढ़ गई तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे आप पहला पॉइंट करके इसमें कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न इसको याद रखिएगा होता है, तो इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, तब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुविकल्पी के लिए। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर क्रम में क्या भिन्न भिन्न होता है या क्या अलग अलग होता है, तो आपको होता है धारा। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर अगला देखिए, समांतर क्रम में वोल्टेज जो होता है समान होता है, यानी कि आपका वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। देखिए वोल्टेज समान क्यों होता है, देखिए भी है इसके क्रॉस भी क्या होगा आपका भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका भी वोल्टेज ही होता है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। यह भी आपसे बोर्ड के एग्जाम या बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया है कि समांतर क्रम में क्या समान होता है, तो समांतर क्रम में आपका वोल्टेज समान होता है। साथ में आपसे पूछता है कि समांतर क्रम में क्या भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न आपका क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न हो जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लिखेंगे परिपथ है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका परिपथ, यहाँ लिखेंगे परिपथ में प्रतिरोध जो है आर वन कामा आर टू कामा आर थ्री मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आर वन आर टू आर थ्री जुड़ा है, ठीक। अब देखिए जब ये परिपथ प्रतिरोध तीन को आप जोड़ दीजिए, आर वन आर टू आर थ्री जुड़ा है, अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में
धाराएं, यहाँ क्या लिखेंगे, धाराएं लिखिएगा, धाराएं I1, I2, I3 प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। हो गया इतना, कितना धारा I1, I2, I3 धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध लिखिए, प्रत्येक प्रतिरोध एक रास मतलब समांतर या हिंदी में इसको बोलते हैं पासरो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के एक रास क्या होता है आपका, वोल्टेज समान होता है, जो कि ऊपर लाइन में पहले बता चुके हैं आपको। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के एक रास में आपका वोल्टेज क्या होगा, एक समान होगा, उस वोल्टेज को आप दिखा सकते हैं भी। अब ये बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये धारा है आपका, यही धारा I1, I2, I3 में बटा है, तीन बराबर भाग में बटा है। तो ये जो धारा होगा इन सभी धाराओं की योग के बराबर होगा। इसका मतलब इसमें कुल धारा कितना हो जाएगा आपका, कुल धारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि जो ये धारा आपका आई, यही धारा क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 के योग के बराबर हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। यदि किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लिख सकते हैं, उसका आंसर हम अभी दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार आपको पता होगा, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से लिखेंगे तो क्या होता है ओम का नियम, कि देखिए धारा ज्ञात करना रहता है तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर लिख सकते हैं। यदि धारा आपको ज्ञात करना है तो ओम के नियम से ये आपको पता होना चाहिए, ओम के नियम से जब धारा ज्ञात करना है तो आई बराबर होता है वी बटा के आर होता है। आप सभी को इतना जितना पॉइंट बता है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आई बराबर वी बटा के आर होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको आई वन का मान निकाला रहेगा तो वी बटा के आर वन हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज जब समान है यहाँ क्या हो जाएगा, वी बटा के आर वन, आई टू की जगह पे वी बटा के आर टू हो जाएगा, आई थ्री की जगह पे वी बटा के आर थ्री हो जाएगा। इसलिए कि धाराएं अलग अलग है लेकिन वोल्टेज एक जैसा है, तो हम इस आई की जगह क्या लिख सकते हैं, इस आई की जगह लिख सकते हैं हम वी बटा के आर लिख सकते हैं, इस आई वन की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर वन लिख सकते हैं, इस आई टू की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर टू लिख सकते हैं। देखिए I1 है R1 हो जाएगा, I2 है R2 हो जाएगा, इसी तरह I3 की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बटा के आर थ्री लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे भी यानी कि भी क्या है, इसमें आपका कामन है ना, जब यहाँ पे भी आपका कामन है तो देखिए क्या करेंगे, भी ले लीजिए, देखिए यहाँ से तीनों में भी कामन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वन अपन आर वन हो जाएगा, वन अपन आर टू हो जाएगा, वन अपन आर थ्री हो जाएगा। जब भी कामन ले लेंगे ऊपर से, देखिए भी है तो भी आप कामन ले लेंगे तो यहाँ पे एक बटा का आर वन, एक बटा का आठ, एक बटा आर थ्री हो जाएगा। अब देखिए भी से भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, एक बटा के आर बराबर एक बटा के आर वन, वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री लिख सकते हैं। और यही जो आपका ज्ञात होगा ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध हो जाता है, ये क्या है आपका, कुल प्रतिरोध है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस फार्मूला को कैसे सिद्ध करके, इस फार्मूला को सिद्ध किया जाता है। और बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित फार्मूला सिद्ध करने के लिए दे देता है, या इसके अलावा आपसे बहुविकल्पी जो ये पॉइंट बता है ये पूछ लेता है, साथ में आपको ये न देगा तो इसके स्थान पर आपको सवाल पूछ लिया जाता है कि इससे संबंधित आप सवाल हल करके बताइए कि इसका सवाल क्या हल होगा। ये बताइए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो इस पर कुछ संबंधित आपसे सवाल हल करा देते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से कैसे इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यदि क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए ये सवाल आपके सामने है ना, ये समांतर क्रम में इसको हल करके बताते हैं आप कैसे हल करेंगे। देखिए आप लिखा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रश्न दे दिया जाता है और पूछ लेता है कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता है कि तुल्य प्रतिरोध को ये क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रहिएगा एकदम। अदा तुल्य प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है, तुल्य प्रतिरोध को कुल प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको आप ज्ञात करना है तो पहले नंबर देखिए 4 ओम और 6 ओम किस क्रम में, देखिए ये समांतर क्रम में है कि नहीं, देखिए आपको समांतर क्रम का भी फार्मूला सिद्ध करके बताए हैं
ये समांतर क्रम में है। आपको क्या करना है कि बस इसको हल कर सकते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, मतलब स्टेप टू स्टेप सीखते जाइए। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। यहाँ पर देखिए जब आप लिखेंगे तो आर वन को मान लीजिए, पहले आर वन मान लीजिए, चार ओम मान। देखिए ये जो इस तरह बना रहे हैं ना, ये सिंबल इसे पढ़ा जाता है, ओम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसे? ओम पढ़ा जाता है, ये जानते रहिए आप। देखिए यहाँ पे आर टू क्या है आपका, छः ओम, ये सिंबल है ओम का, ठीक। अब इसका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो फार्मूला को समांतर क्रम में रहता तो कैसे जोड़ते हैं, एक बटा के आर वन प्लस एक बटा के आर टू, ठीक। अब यहाँ मान रख के केवल हल कर लीजिए। देखिए हल करते हैं, आर वन का मान कितना है 4, आर टू का मान कितना है 6। आपको पता है कैसे हल करेंगे, ये भिन्न का जोड़ हो गया तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। जिसको एलसीएम नहीं निकालने आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। देखिए आप क्या करते हैं, 4 का भाग 12 में देंगे 3 होगा, 4 तीन 12, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 6 का भाग 12 में देंगे 2 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 बटा के 12 हो जाएगा, यानी 1 बटा के आर, 1 अपन आर का मान कितना हुआ 5 बटा के 12। लेकिन देखिए अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, इस पर लिखेंगे 5 बटा के 12। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, इतना भी छोड़ के मत चले आइएगा। देखिए आपका आंसर क्या होगा, इस आर को क्या करेंगे, पलटेंगे, यानी इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर ऊपर जाएगा, तो देखिए इधर का भिन्न पलट जाता है, यानी कि 5 बटा के 12 लिखा था कितना हो जाएगा 12 बटा के 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बटा के 5 हो जाएगा। अब जाके ये आपका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया है, और यहाँ पे आप ओम लिखना मत भूलिएगा, मात्रक जरूर लिखिएगा। इस तरह आप समांतर क्रम में प्रतिरोध को आसानी से जोड़ सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, देखिए इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो एक बहुविकल्पी प्रश्न आपसे बता देते हैं साथ में, कि समांतर क्रम में आप कराता है तो कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछता है, उसको भी आप जरूर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, जैसे आप कहेगा सवाल में कि आर वन कामा आर टू दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए आर वन आर टू दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब आपको ऑप्शन दे देगा, देखिए ऑप्शन कैसे देगा, ऑप्शन देगा इस प्रकार से कि आर वन आर टू बटा के आर वन प्लस आर टू दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपका बहुविकल्पी बना देगा, देखिए दूसरा ऑप्शन इस तरह बना सकता है कि आर वन प्लस आर टू। तीसरा ऑप्शन यहीं पे बना देगा आपसे कि इस तरह कर देगा आर वन प्लस आर टू बटा के आर वन प्लस आर वन इंटू आर टू। चौथा ऑप्शन आपका बना देता है, ये पूछा गया प्रश्न है बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि वन अपान आर वन प्लस आर टू कर देगा, और पूछेगा इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको सिखा देते हैं पूरा दम। एक भी सवाल इस वीडियो के देखने के बाद समांतर क्रम से आपका बाहर नहीं जाएगा, तो इस सवाल को एकदम ध्यान से देख लीजिए आप। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान आर, तो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए समांतर क्रम का फार्मूला यही है। अब देखिए यहाँ पे अंक तो है नहीं कि आप आर वन आर टू का एलसीएम निकालेंगे, आप क्या करेंगे तिरिया गुणा करेंगे, आर टू का गुणा एक में करेंगे, यानी इसका गुणा इधर कीजिएगा, आर टू का वन में करेंगे तो आर टू हो जाएगा, प्लस आर वन का इधर करेंगे तो आर वन हो जाएगा, और फिर नीचे का नीचे गुणा कीजिए आर वन का आर टू में, आर वन यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में आर टू हो जाएगा। अब देखिए कितने भी छात्र होते हैं क्या करते हैं बोर्ड के एग्जाम में क्या गलतियाँ करते हैं, ये जैसे ही आया वैसे ही ये वाला ऑप्शन लगा के चले आएंगे सब, ये तुरंत ऑप्शन लगाएंगे, कहेंगे एकदम खुश हो जाएंगे कि मेरा सवाल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यही बड़ी गलती करते हैं, यही आपका यहाँ पर गलती हो जाता है, आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। देखिए अभी सवाल आपको हल करके बताएं, क्या बताएं कि इस आर को ऊपर भेजा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर पूछा है आपका प्रतिरोध कितना होगा, इस आर को ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आर हो जाएगा, जब ये आर ऊपर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इधर का भिन्न आपका पलट जाता है, तो आर वन आपको ऊपर चला जाएगा, आर टू ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्रम से लिख लीजिए आर वन को पहले आर टू के बाद में, इसलिए कि आपको पता है कि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इस क्रम में लिख रहे हैं आर वन के बाद आर टू लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, और इसे आप याद भी कर लीजिएगा कि आर वन का क्या होता है, आर वन अपन आर वन प्लस आर टू होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, पेपर में यही प्रश्न आपका दिया था, ठीक है।
ये था आपको समांतर क्रम से संबंधित, आपको सीरीज क्रम आपको बता चुके हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, उसको जाके पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा समांतर क्रम में कैसे इसको जोड़ा जाता है, इससे संबंधित कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में उसको भी आपको बता चुके हैं। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि एक कैसा आपको लगा। फिर इसके बाद यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।